राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों नीदरलैंड के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने नीदरलैंड के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है, तो दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नीदरलैंड यात्रा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मार्क रुते ने उनका हेग में अपने कार्यालय में स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सेनेट के अध्यक्ष जॉन एंटनी ब्रूजन और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष सुश्री वेरा बर्ग कैंप ने स्वागत किया। बैठक के दौरान डच पक्ष ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते महत्व की सराहना की और भारत के लिए बड़ी वैश्विक भूमिका की मांग की। प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष ने बताया कि वे 2 महीने के लिए भारत आई और उन्हें देश से प्यार हो गया। डच हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अगले 3 वर्षों के लिए भारत को फोकस कंट्री बनाया है। इसके साथ ही नीदरलैंड में भारत के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ी है। नीदरलैंड में द्विपक्षीय सहयोग के अनेक क्षेत्रों में भारत के साथ अधिक सहयोग का सुझाव देने के लिए सक्रिय चर्चा चल रही है। दोनों पक्षों ने यूक्रेन पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। यूक्रेन पर भारत की स्थिति को डच पक्ष के साथ साझा किया गया। भारत और नीदरलैंड जीवंत लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुते के साथ विशेष लंच में हिस्सा लिया। Our new age partnership must act to combine the resources, expertise and knowledge with the skill to address contemporary challenges and a strategic direction to the cooperation and maximize benefits for both the countries. See India as a land of opportunities as well as aspirations. India offers growth in scale, ambition and results. We welcome the Netherlands to be part of our growth story as home to 1/5 of the world's youth population. The needs and aspirations of the young Indians are critical to the future of India and the world at large. Young Indians are driving a culture of innovation, entrepreneurship and diversity. पीएम रुते द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन के दौरान आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, सर्जिकल रोबोटिक्स और दिव्यांगों के लिए काम करने वाली सहायक तकनीक के क्षेत्र वाले स्टार्टअप मौजूद रहे।